यो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो देयर इज अ वेरी वेरी गुड रीजन कि इस जगह को कहा जाता है दुनिया की वेटेस्ट प्लेस। एंड आज से लेकर अगले 3 दिन तक मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ दुनिया की वेटेस्ट प्लेस को इसके वेटेस्ट सीजन में, इसके वेटेस्ट टाइम पर। सो लेट दिस अमेजिंग एडवेंचर बिगिन आफ्टर दिस मैसेज फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स। थैंक यू क्यूरामेन फॉर स्पॉन्सरिंग टुडेज वीडियो। इनका डायनामो पार कैप्सूल आपको देता है स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड वाइटालिटी, जिससे आप डे टू डे के लाइफ के टास्क भी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से पूरे कर सकते हो। ये डायनामो पार कैप्सूल है कंप्लीटली आयुर्वेदिक, सो चेक करें डायनामो पार कैप्सूल बाय क्यूरामेन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स कैरी ऑन विद टुडेज वीडियो। मौसनराम मेघालय के अंदर एक्चुअली एक ऐसा विलेज है जिसको वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है। और इस वेटेस्ट जगह को इसके वेटेस्ट सीजन में एक्सपीरियंस करने के लिए एक सुबह मैं बनारस से एक लोकल ट्रेन करता हूँ। भाई साहब, ट्रेन का जनरल कंपार्टमेंट अपने आप में ही एक पूरी दुनिया होता है। मेरे साथ इस ट्रेन में बड़े कमाल कमाल के किस्से हुए, पर खैर ये वीडियो उस बारे में नहीं है। ये वीडियो तो एक्चुअली है दुनिया की वेटेस्ट प्लेस को उसके वेटेस्ट सीजन में एक्सपीरियंस करने का, जहाँ पर भाई साहब डे 3 और आज भी सेम स्टोरी है। तीसरे दिन लगातार यहाँ बारिश हो रही है और बारिश में मैं जा रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, कुछ खाना खाने। 12 बज गए हैं सुबह के, अब मैं निकला हूँ कि भाई नहीं रुक रही बारिश, तो फाइनली चला जाए कुछ खाया जाए। अच्छा बाय द वे, पीछे मेरा हॉस्टल है शिलोंग के अंदर, जहाँ पर एक्चुअली वॉशरूम से अपने रूम तक भी ऐसे जाना पड़ता है। भाई साहब ये हॉस्टल्स भी ना बड़ी कमाल की जगह होती है, एक एक तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं यहाँ पे। मेरे साथ यहाँ भी बड़े कमाल कमाल के किस्से हुए, पर खैर बट ये वीडियो उस बारे में नहीं है। ये वीडियो तो एक्चुअली है दुनिया की वेटेस्ट प्लेस को उसके वेटेस्ट सीजन में एक्सपीरियंस करने का। तो मैं अपनी सोलो ट्रिप स्टार्ट करने ही वाला होता हूँ कि तभी दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं ट्रैवलर राम। मैं आ चुका हूँ दुनिया की वेटेस्ट जगह को वेटेस्ट सीजन में एक्सपीरियंस करने। क्या कोई मेरा आइडिया मेरे से ही पहले एग्जीक्यूट कर दे? ये नहीं हो सकता, इसलिए फिर मैं स्कूटी बुक करने के लिए भागता, पर वो इस शातिर लड़के ने पहले ही ले ली थी। फिर मैं सोचता हूँ कि बुलेट ली जाए, पर मुझे बुलेट चलानी नहीं आती। कैब बुक करने का भी सोचता हूँ मैं, पर मेरा वॉलेट मेरे को देख के हंस देता है। क्या किया जाए अब, क्या किया जाए भाई? आपको भी वही जाना है ना जहाँ मेरे को जाना है? कहाँ जाना तुम्हें? चेरापुंजी। मेरे को भी चेरापुंजी जाना है, तो साथ में चल लेते हैं। मैं चला। इसी तरह राम और मैं निकल जाते हैं दुनिया की वेटेस्ट प्लेस को उसके वेटेस्ट सीजन में एक्सपीरियंस करने के लिए। तो जी, सूरज ने हमें धोखा दे दिया है और चारों तरफ बादल ही बादल है, इससे गेटअप दोनों का चेंज हो गया। समझ ना पाया वो गुजरी बात। पर धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। हम लोग रुकने का सोचते हैं। तो पहले जिसका डर था वही हुआ है, काफी ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, पर फिर सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, लेट्स गो। एक घंटा बारिश में भीगने के बाद हम पहुंचते हैं हमारी पहली लोकेशन। यहाँ पर लोगों की टू मच भीड़ देख के मेरे को तो मजा नहीं आ रहा होता भाई, पर तभी राम मेरे को एक सीक्रेट सेकंड केव में लेके जाता है। अब इस खुफिया केव के बारे में इस बंदे को कैसे बताए, ये तो खाली भगवान और राम ही जाने। अभी हम अंदर पहुंच के बस एक दो फोटो क्लिक कर ही रहे होते हैं कि तभी देख रहे हो काफी ज्यादा अंधेरा भी है। दोस्तों ये कोई एडिटिंग का इफेक्ट नहीं है, ये लेजेंड यहाँ केव में ये। तो फाइनली एक्सप्लोर कर लिया, काफी ज्यादा फुल ऑफ एडवेंचर था, पर मजा आया यार। अगर आप भी, आपको भी एडवेंचर पसंद है तो आप इस केव को एक्सप्लोर जरूर करना। राम की रिकमेंडेशन जरूर मानना दोस्तों, ये जगह सच में बहुत कमाल की थी। तो आओ अब चलते हैं इससे भी बहुत एपिक जगह, मेघालय की वन ऑफ द बेस्ट 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 टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो भाई लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी सच में जीरो है। मिस्टी देख सकते हो आप, अभी रेनफॉल रुक चुका है लेकिन एरिया काफी खतरनाक है, लेकिन मजा आ रहा है।
अनदर लेवल की एडवेंचर हो रही है आज। बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो ये था हमारा रात का स्टे, प्रॉपर मच्छरदानी का अरेंजमेंट था, तो कुछ टेंशन नहीं हुआ। और वेटेस्ट प्लेस पे रहने का रीज़न एक क्या होता है कि हमेशा देखो बारिश होती रहती है, तो अभी ये इनका अम्ब्रेला लेंगे और चलते हैं। और इस लोकेशन की मैं तुम्हें जो खास बात बता रहा था, क्या बेस्ट चीज़ क्या होती है ना, कभी तुम कुछ प्लान करके ना चलो तो जो बेस्ट चीज़ होती है कि तुम्हें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखो ये मेरा होम स्टे है जो पीछे था, और यहाँ से लिटरली मैं खाली 10 कदम चलूँगा एंड आई विल रीच डबल डेकर ब्रिज, ठीक है। यहाँ से अब देखो ये रहा मेरा होम स्टे, यहाँ से अब मैं वॉक स्टार्ट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 10. ये है डबल डेकर ब्रिज, ये है लिविंग रूट ब्रिज। एक्चुअली ये जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है ये खाली रूट से है, ट्री की रूट्स ने, और डबल डेकर इसलिए क्योंकि ये दो लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2। इसमें कुछ भी कील, आयरन, स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये ब्रिज रूट्स के थ्रू बना हुआ है और ये बढ़ता रहता है क्योंकि ये अभी भी अलाइव है। बहुत ही कमाल की चीज़ है। अब देखो इससे चलते हैं और अपना ये पार करते हैं, क्योंकि रात में जब मैं यहाँ पहुँचा था तो थोड़ा लेट हो गए थे, मैं तुम्हें नहीं दिखा पाया था, बट अभी मैं लिटरली लिविंग ब्रिज के ऊपर हूँ। देखो BTS, by the way guys, देखो बारिश में जाओ ना शूट करने तो वेटेस्ट प्लेस इन दी वेटेस्ट सीजन में ये हो जाता है, हम कुछ भी शॉट लेने जा रहे हैं, पूरा देखो पूरा भीग गया। नाउ ये अब हमारा टाइम हो गया है इस गांव से निकलने का, इस होम स्टे से निकलने का, एंड आज हम लोग जा रहे हैं यहां से बहुत दूर, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। तो वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दोबारा राइड करेंगे एंड पहुँचेंगे एंड साफ सफाई देखेंगे, जो ज़्यादा देखने की आदत में है नहीं। चलते हैं, एक रियलिटी चेक दूंगा, ये प्रिटी गाना तो चल रहा है पीछे, मोंटाज कूल लग रहा है, बट ये मुश्किल है क्योंकि हमें 3 घंटे चलाना है और हम जैसे जैसे मतलब आधा घंटा निकला और अब हमें ठंड से ना पड़ रही है, सच में ठंड लग रही है, फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा, आंखें नहीं खुल रही हैं, बट जाना है तो जाना है क्योंकि आज भाई का राम का आखिरी दिन है, कल ही आज की तीज, तो इसलिए आज हम क्लीनेस विलेज जा रहे हैं। बट थिंग टू रिमेम्बर है, मतलब बहुत बड़ा चुतिया है, मैं बात रहा हूँ देखो ट्रक एकदम से अपीयर हुआ फॉग के बाद से, भाई दिख ही नहीं रहा था, चुतिया में थोड़ा मैं मान रहा हूँ, बट ये याद रहेगा मेरे को लगता है। और इतना रिस्क नहीं है, रिस्क होता तो नहीं जाते, मतलब हम ध्यान से चला रहे हैं, हमारी स्पीड लाइक 35 के ऊपर है ही नहीं, 35 पे चल रहे हैं, इंडिकेटर लाइट्स ऑन है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो बट क्या है, तुम्हें वीडियो में मज़ा आ रहा है तो एक लाइक एक कॉमेंट, आगे चलते हैं अपना गाना कट्टी पे पर। तो जी हमने वेटेस्ट प्लेस को देखा एकदम वेटेस्ट मौसम में, और क्लीनेस्ट प्लेस को देखने आए एकदम क्लीनेस्ट मौसम में, क्या बात है। अभी बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है और हम लोग पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट 3 hours मोर, अ लिटिल मोर देन मे बी 3 hours हो गए हमें ड्राइव करते हुए, बट फाइनली इधर पहुंचे हैं। तो सुकून है, गर्मी है क्योंकि बारिश से यहाँ पर थोड़ी राहत मिली है, और इसी के साथ अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। दोस्तों एशिया के क्लीनेस्ट विलेज के अंदर हम पहुँच गए हैं, अब यहाँ पर मेरे को डाउट है कि ये विलेज एक्चुअल में क्लीन है या नहीं, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या मेरे को कोई लेटर कोई गंदगी मिलती है, तो चलते हैं और विलेज घूमते हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, बिफोर कमिंग हियर आई हैड माय डाउट्स कि ये सब मार्केटिंग का खेल है सारा, पता नहीं क्या है, बट सच बता रहा हूँ यहाँ थोड़ी देर घूमने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है जापान के जो एनिमेज देखते हैं हम लोग उसमें से कोई दुनिया निकाल के मेरे सामने रख दी है और मैं उस दुनिया के अंदर चल रहा हूँ। सच में बहुत ही अलग एस्थेटिक है, मतलब अनरियल सा ब्यूटी है सच में, बाय गॉड विलेज नहीं लग रहा है मेरे को, जिस जगह पे मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी पे मैं रहता हूँ
उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। मेरे को घर मिल जाए मैं रह लूँगा। वाह बहुत बढ़िया, सही में सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सो दिस वॉज द वीडियो, दिस वॉज स्पेंडिंग 72 आवर्स इन द वेटेस्ट प्लेस। दो एंडिंग के टाइम पे मैं वेटेस्ट प्लेस पे नहीं हूँ, बट इट्स गुड टू सी कितना ज़्यादा बारिश पड़ता है एंड नॉर्मल। सो ये एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एक कॉमेंट एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। हाँ मेरे बालों पे कोई हंसेगा नहीं भाई, मैं स्कूटी चला के 3 घंटे बाद आऊँ, क्या बोल रहे हो। चलो बाय। कैसा लगा आपको ये विलेज जल्दी बताइए। बहुत अच्छा लगा, मतलब ये वर्थवाइल है। अगर आप मेघालय आते हो ना, ये मेरे लिए सॉरी ये आपके लिए रिकमेंडेड है हमारे तरफ से और ये रौनक भाई की तरफ से। मतलब उनका व्यू पॉइंट तो मैं नहीं जानता, बट मेरे व्यू पॉइंट से ये रिकमेंडेशन है कि आप मेघालय आते हो तो ये विलेज घूमने ज़रूर आना। तो दोस्तों बेसिकली जो 3 जगह हमने इस वीडियो के अंदर देखी, तीनों ओवररेटेड बिल्कुल नहीं है, बहुत एपिक है। तो बस इतना सही था वीडियो, ये है इसका यूट्यूब चैनल, तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा राम ट्रैवल विद राम, ट्रैवलर राम। तो इसका यूट्यूब चैनल ट्रैवलर राम तुम्हें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, चेक करना। एंड बाय बाय।